हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू रिफंड बोट ऑर्डर। तो यहाँ पे बोट का ऑर्डर आपने कैसे कैंसिल करना है, उसका रिफ़ंड कैसे लेना है, यही आपको इस वीडियो में बताऊंगा। डिटेल में हम लोग जानेंगे सब कुछ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप देख सको। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे जीमेल। यहाँ पे हम बोट को एक ईमेल लिख के सेंड करेंगे। तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम नेम का कॉलम, उसमें हम लिखेंगे अपना नाम, जो भी आपका नाम है। उसके बाद यहाँ पे हम स्पेस देके नंबर का कॉलम लिखेंगे, उसमें आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम यहाँ पे आपको लिख देना है, जो भी प्रोडक्ट का आपको यहाँ पे रिफ़ंड चाहिए, जो आपने ऑर्डर कैंसिल किया है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिख देना है। उसके बाद लास्ट कॉलम आएगा रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाहता हूँ, जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ, वही सेम टू सेम आपको कॉपी करके मेरा लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज़ रिफ़ंड माई मनी एज सून एज पॉसिबल। और ये लिखने के बाद आपको ऊपर सब्जेक्ट का कॉलम दिखेगा, तो वहाँ हम उसी से रिलेटेड लिखेंगे बोट एयरडॉप, और जो भी आपका मॉडल नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। उसके आगे हम लिखेंगे मनी रिफ़ंड रिक्वेस्ट, या फिर आप इतना भी लिख सकते हैं बोट ऑर्डर मनी रिफ़ंड रिक्वेस्ट। उसके बाद सबसे लास्ट में जीमेल आईडी डालना है इसकी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया हूँ, आपको कॉपी कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ क्या है जीमेल आईडी, info@imaginemarketingindia.com। इस ईमेल आईडी पे आपको अपना मेल सेंड करना है लिख के। उसके बाद आपको अपना ईमेल अच्छे तरीके से चेक करना है, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए, और उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपके ईमेल में मिस्टेक होगी तो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी, रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट होगी तो यहाँ पे आपको रिफ़ंड नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ध्यान से अपना ईमेल पूरा चेक करने के बाद आपको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद यहाँ सेंड के ऑप्शन में जाके आप अपना ईमेल चेक कर सकते हैं कि आपका ईमेल सेंड हुआ या नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ देर तक का वेट करना है रिप्लाई का, फिर आपको रिप्लाई मिल जाएगा बोर्ड की तरफ से कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है। यहाँ पे 48 आवर्स में आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये ईमेल लिखने के बाद आपको दूसरा काम ये करना है कि बोट के कस्टमर केयर से आपको कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट नंबर आपको एप्लीकेशन से और ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा बोट के। वहाँ पे कांटेक्ट अस या फिर हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन देखने मिलेगा, वहाँ आपको कस्टमर केयर का नंबर मिलेगा। उस पर कॉल करके आपको बता देना है कि आपने प्रोडक्ट कैंसिल किया है और आपको रिफ़ंड चाहिए उसका, और आपने एक ईमेल भी लिख के सेंड कर दिया है। आपको कस्टमर केयर से सारा प्रोसेस बता देना है, और उसके बाद वो लोग उस पर काम करके आपको आपका जो रिफ़ंड है वो 2-3 वर्किंग डेज के अंदर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है कैसे यहाँ पे आप ईमेल के थ्रू अपना बोट ऑर्डर रिफ़ंड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको रिफ़ंड मिला या नहीं आपका आपके ऑर्डर का, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।